हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो इसको प्लीज़ जो है वो ध्यान से देखना। तो कैपेसिटर से पहले जो है हमने पिछली क्लास में कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था, और कैपेसिटेंस के लिए हमने जो है वो इसका कंक्लूजन कहाँ से निकाला था कि जब अगर हम किसी कंडक्टर पर अगर हम चार्ज को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, चार्ज को हम इंक्रीज करते हैं, तो उसका पोटेंशियल भी क्या होता है, उतने ही रेशियो में जो इंक्रीज होता है। और जो हमारे पास में जो कंक्लूजन निकल गया था वो ये था कि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, पोटेंशियल के। और यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का हटाता हूं तो एक कॉन्स्टेंट आता है सी, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और कैपेसिटेंस क्या था मेरे पास में, क्यू बाई, ये मेरे पास में कैपेसिटेंस का जो है फॉर्मूला निकल गया था। यहां हम ये भी बोल सकते हैं कि ये रेशियो है किसका, जब हम अगर किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं और उस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। अब एक चीज और हमने पढ़ी थी कि जो मेरे पास में अगर स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसके लिए जो मेरे पास में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और यहां से हमें ये पता चला था कि अगर हम किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की अगर हम रेडियस को इंक्रीमेंट करें, अगर हम उसकी रेडियस को बढ़ाए तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। आगे बात समझ में। और कैपेसिटेंस क्या है, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज या एनर्जी। आगे बात समझ में, यानी कि कैपेसिटेंस है क्या बेसिकली, एक एबिलिटी या उसको बोल सकते हैं एक माप है, ये है ना, एक माप है कि जो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज स्टोर करता है ना वो उसको बताता है इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ है। आगे बात समझ में। तो यहां से आपने जो है वो ये भी लिखा था कि V is equal to 1 volt, जितना चार्ज होगा वही क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस होगा। तो यहां से हम ये सोचते हैं कि अगर रेडियस को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटेंस तो मतलब ऐसे समझो कैपेसिटी, तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा। आगे बात समझ। और हमने ये भी निकाला था कि अर्थ का जो कैपेसिटेंस था वो 711 माइक्रोफेरेड आया था, और अगर मैं 1 फैरड कैपेसिटेंस की बात करूं तो उसके लिए मुझे रेडियस कितनी चाहिए थी, 9 × 10⁻⁹, यानी अर्थ की रेडियस की भी कितनी, 1400 टाइम्स। आगे बात समझ में। तो बहुत बड़ा, तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है कि आप रेडियस को बढ़ाओ तो आपका जो है वो कैपेसिटेंस भी बढ़े। तो हमें ये करना है कि हम इसकी रेडियस को ना बढ़ाए, रेडियस का मीनिंग हम उसकी साइज को ना बढ़ाए, और हम कैपेसिटेंस ना कर दें फिर भी इंक्रीमेंट कर दें कैपेसिटेंस में। वैसे तो थ्योरेटिकल तो ये है कि अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम उसका साइज नहीं बढ़ाए, यानी रेडियस नहीं बढ़ाए, बिकॉज क्योंकि इतना बड़ा कंडक्टर को रखना भी तो भारी पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके रेडियस को नहीं बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं इसके पोटेंशियल में कमी करते हैं। आगे बात समझ में। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि अगर मैं चार्ज को तो कॉन्स्टेंट रख दूं, अरे बस समझ में, चार्ज को मैं कॉन्स्टेंट रख दिया किसी भी कंडक्टर पे, और फिर मैं क्या करूं, V को कम करूं। अरे बस समझ में। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि V को मैं क्या कर रहा हूं, लेस कर रहा हूं, यानी V को कम कर दूं। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि C इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी कि अगर ये V की वैल्यू कम होगी, अगर ये V की वैल्यू कम होगी तो C की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आप देखोगे, बिकॉज क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो कैपेसिटर है वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे जो है वो वर्क करता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी कंडक्टर का चार्ज को क्या करें, हम कॉन्स्टेंट रखें, चार्ज में कोई चेंज ना करें और उसके साइज में भी ना बदलाव करें, हम क्या करें उसका पोटेंशियल जो है वो कम करते जाए। तो पोटेंशियल कम करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो जो कैपेसिटर है वो भी बेसिकली इसी तरीके से है। तो देखो, इट इज अ डिवाइस इन विच द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय, अब हम उसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज बाय कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट, चार्ज को क्या करो कांस्टेंट रखो, एंड रिड्यूसिंग द पोटेंशियल, पोटेंशियल को क्या करो रिड्यूस करो विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ कंडक्टर, हमें कंडक्टर की साइज चेंज करनी नहीं है। आ रही बात समझ में। तो बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें आप क्या करते हैं कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं, कैसे, चार्ज को कॉन्स्टेंट रखे और पोटेंशियल को रिड्यूस करके और विदाउट चेंजिंग इन साइज ऑफ कंडक्टर। तो हमें साइज में भी क्या करना, हमें चेंज नहीं करना है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं
तो ये कैपेसिटर होता है क्या बेसिकली, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बेसिकली आपने फैन के अंदर जो कैपेसिटर देखा होगा सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से। ये सिलेंड्रिकल आपके पास में क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है। तो इससे आपको पता होगा कि दो वायर निकले हुए होते हैं, है ना, और जो जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो क्या करता है, इसके सर्किट में इसको लगा देता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक और इंटरनल जो है सिलेंडर और होता है, इसमें एक इंटरनल सिलेंडर और होता है कुछ इस तरीके से, क्लियर। ये इंटरनल सिलेंडर होता है इसके अंदर। अब करते क्या है कि इसका एक वायर जो है वो होता है इसके बाहर वाले बॉडी से कनेक्टेड, अरे बस मतलब बाहर वाले सरफेस से कनेक्टेड, और एक वायर जो क्या होता है इस अंदर वाले सिलेंडर से कनेक्टेड, ठीक है ना। और फिर हम क्या करते हैं इसको किसी एक्सटर्नल बैटरी से हम क्या करते हैं इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो करंट का फ्लो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ये मेरे पास में किसका फ्लो है, करंट का फ्लो है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करते हैं। ये आपको पता है बेसिक चीज, ठीक है ना। तो जब हम इसको चार्ज देते हैं तो क्या होता है कि इसके एक सरफेस पे तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, है ना, अंदर की साइड, बाहर की साइड इसको ऐसा हटा देता हूं, अंदर की साइड इस सरफेस पे तो क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसके अंदर वाली सरफेस पे जिसके यहां क्या जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। सेम इसी तरीके से यहां पर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम अमाउंट का होता है, मतलब जितना पॉजिटिव तो उतना नेगेटिव। अरे बात समझ में, अगर मैं इसको बोलूं इसको मैं प्लस क्यू बोलूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं, माइनस क्यू बोलूंगा, ठीक है। तो जब ये पूरा चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं यहां से इस बैटरी को हटा देते हैं, और फिर इसके अंदर तो चार्ज स्टोर हो रखा है, हम क्या करते हैं फिर इसको किसी एक्सटर्नल जहां में इसको जोड़ना है, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं फैन की, तो फैन को क्या करता है, इसको लेजा के सीधा इसको क्या करता है, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें होता यह है कि जब आप इस बैटरी को हटाते हो ना तो चार्ज इसमें क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। अरे बात समझ रहे, तो कैपेसिटर को बेसिकली हम जो है वो जो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस भी बोलते हैं, या हम एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस भी बोलते हैं। चार्ज मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने ये लिखा है, तो इसमें क्या होती है, देयर आर टू कंडक्टिंग प्लेट्स। तो देखो, एक तो ये बाहर वाली प्लेट और एक अंदर वाली प्लेट, ठीक है। प्लेट्स There are two conducting plate placed close to each other. बहुत ही पास में होती है ये दोनों, ठीक है। So one of them is positive charge and another has equal amount of negative charge. आरे बात समझ में, मतलब कि जो एक साइड पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और उतना ही अमाउंट का क्या होता है वापस निगेटिव चार्ज, यानी वन ऑफ देम इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर हैज इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज। फिर हम क्या करते हैं, नाउ Both plates are connected to positive and negative terminal of battery. इसके यहाँ पे जो है वो इससे कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पे आ जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, नाउ इफ वी रिमूव द बैटरी स्टिल देयर इज चार्ज स्टोर्ड। तो हम क्या करते हैं, इस बैटरी को हटा देते हैं तो इसमें चार्ज क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। नाउ दस अ कैपेसिटर इज अ चार्ज एंड एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, चार्ज और एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, अपने खुद के अंदर ही क्या होता है, चार्ज जो है वो स्टोर रहता है इस डिवाइस के अंदर। तो हम, और आपको पता है कि इसका साइज कितना छोटा होता है कैपेसिटर का, फैन का, है ना, मोटर में भी आपने देखा होगा कई बार लगा होता है कैपेसिटर। तो उसका प्रिंसिपल भी हम पढ़ेंगे कि जो कैपेसिटर का प्रिंसिपल है बेसिकली है क्या, वो कैसे जो है वो अपनी कैपेसिटेंस को बढ़ाता है, है ना, कैसे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है चार्ज स्टोर करने की। चार्ज कॉन्स्टेंट एंड रिड्यूस द पोटेंशियल विदाउट चेंजिंग इन साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दो प्लेटें होती है, ठीक है, कंडक्टिंग दो प्लेट्स होती है, इनको क्या करते हैं बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है एक पे निगेटिव चार्ज आता है। बिकॉज हमने क्या किया, ये वायर को तो पॉजिटिव से कनेक्ट किया और इसको निगेटिव से कनेक्ट किया, तो आपको देख लो ना इस पर कौन सा आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा और इसको कौन सा आएगा, निगेटिव आएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक।
फिर हम क्या करते हैं इस बैटरी को हटा देते हैं, जब भी पूरा चार्ज हो जाता है क्या करते हैं इसको हटा देते हैं और फिर इसके अंदर क्या होता है चार्ज स्टोर हो जाता है और जब हम इसको लगाना है हम इसका यूज कर लेते हैं। आगे बात समझ में, तो ये था बेसिकली इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो कैपेसिटर होता कैसा है, नाउ अब हम बात करेंगे इस कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है वो हम पढ़ते हैं। सो ये इसको मैं हटा देता हूं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ने के लिए, हालांकि ये जो थ्योरी है मैं अभी लिखूंगा यहां पे वही है वो आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। आप उस पर ध्यान मत देना, मैं इसका प्रिंसिपल समझा दूंगा। वो इसलिए लिखा है ताकि आप मान लो कि बाद में जब देखो तो आपको याद आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट को मैंने नाम दे दिया क्या, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरी प्लेट कंडक्टिंग प्लेट क्या करते हैं हम इसके पास में लेके आते हैं, क्या क्या इसको हमने इसके पास में लिखा है, कंडक्टिंग प्लेट है अनचार्ज है तो, और ये क्या न्यूट्रल भी है। तो आपको पता है कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है इसका मीनिंग क्या है कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है प्रोटॉन है, ये बात दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और कोई प्रोटॉन नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूं जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो एक मैंने कहा यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट लेके आया न्यूट्रल, ठीक है ना, जो क्या अनचार्ज है। तो आपको पता होगा कि जब अगर हम किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आते हैं तो आपको पता है कि वहां एक मेथड लगता है चार्जिंग का, कौन सा, इंडक्शन। तो इंडक्शन के कारण क्या होता है कि आपको पता होगा इसमें जितने प्लस है उतना ही माइनस भी है, तो इस प्लस के पास कौन आना चाहेगा, निगेटिव आएगा, ऑब्वियसली बात है ये माइनस, ठीक है। और इसपे चार्ज जो है वो मैंने माना क्या है क्यू चार्ज, ये ध्यान रखना है इसपे चार्ज क्या है क्यू चार्ज है। तो जब ये जब चार्ज बॉडी इसके पास आई है इसके पास में आया दोनों में से कोई भी एक को पास में ले जाता हूँ तो इसके एक तरफ तो क्या देगा नेगेटिव चार्ज, बिकॉज प्लस के साइड में क्या आएगा नेगेटिव और जस्ट इसके अपोजिट साइड में क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज उतना ही अमाउंट का, ठीक है ना। ये किसके कारण हुआ है, बाय इंडक्शन, ये ध्यान रखना है किसके कारण, इंडक्शन के कारण हुआ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, अब मैं आपको पूरा फील करवाऊंगा कि हम कैसे जो है पोटेंशियल को कम कर सकते हैं और हम उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये माना कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है प्लेट तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, होगा नहीं होगा। मैंने ये मान लिया कि ए का जो पोटेंशियल है वो है, मैंने अप्रोक्स मान लिया कितना 20 वोल्ट, चलो ये मैं मान के चलो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वैल्यू जो है वो मैं ले रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये कितना है 20 वोल्ट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा। अब ध्यान से देखना ये वाला जो चार्ज है वो इसके पास में है तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसका जो इसका पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, बिकॉज ये थोड़ा सा इस चार्ज से दूर है ना, पोटेंशियल जरूर होगा लेकिन मैं बात करूं इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा इस पॉजिटिव चार्ज से, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है वो इसके पास में है। आ रही बात समझ में। तो मैंने ये मान लिया कि जो नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल जो है वो कितना है, लगभग अप्रोक्स मान लो मैंने मान लिया 5 वोल्ट, -5 ये है, ये मैंने मान लिया था इसका, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मैं बात करूं इस पॉजिटिव का तो देखो ये इससे थोड़ा सा दूर है तो आपको पता है कि डिस्टेंस बढ़ने पे पोटेंशियल क्या होता है, कम हो जाता है। अरे ऑब्वियसली बात है आप सोचो ना इस चीज को, अगर मैं ये मेरे पास में एक कंडक्टर है, अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये इसके पास में है तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना B=PQ/R, डिस्टेंस बढ़ती है तो पोटेंशियल कम होता है और डिस्टेंस कम होती है तो पोटेंशियल ज्यादा होता है, वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अरे बात समझ में। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस कम है और फिर ये वाली डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ये देखो अरे बात समझ में। तो यहां से क्या होगा कि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल जो है वो कितना है, +2 वोल्ट, +2 वोल्ट इसका जो है पोटेंशियल है। अब देखो आपके पास इस ए पे जो वो नेट पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल ए पे कितना हो गया 20 -5 +2,
ट्वेंटी प्लस टू कितना हो गया 22, 22 में से मैं क्या करूंगा 5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 17 वोल्ट। बोलो यहाँ पर क्लियर। अब ध्यान से देखो यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली हुआ क्या कि ये जो निगेटिव वाला पोटेंशियल था ना, इस निगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल था वो तो इस ए के पोटेंशियल में तो कमी कर रहा था, आ रही बात समझ। लेकिन ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज है ना, इसके वजह से इसकी पोटेंशियल में क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हुआ। इसने तो क्या किया, माइनस 5 वोल्ट कम कर दिया, लेकिन इसने क्या किया, प्लस 2 वोल्ट जो है वो फिर बढ़ा दिया। तो इसका मतलब अल्टीमेट देखो, अगर मैं बात करूं पहले वाले ए प्लेट की, तो इसका पोटेंशियल कितना था, 20 वोल्ट था, अब कितना हो गया, 17 वोल्ट हो गया। तो अगर मैं बात करूं सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी की, तो अगर मैं पहले 20 रखूंगा तो पोटेंशियल, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो कुछ आएगा, लेकिन जब अगर मैं 17 रखूंगा तो वैल्यू देखो और कम हो गई ना, पोटेंशियल कम हुआ तो ऑटोमेटिक देखो कैपेसिटेंस बढ़ गया। अगली बात समझ में, बिकॉज यहां से पता चला कि सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब आपको बात समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखना, क्लियर है यहां तक। अब एक और चीज यहां तो समझ में आ गया कि नेगेटिव वगैरह इसके पोटेंशियल में कमी कर रहा है, बट पॉजिटिव वगैरह इसके जो पोटेंशियल को बड़ा और बढ़ा गया, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर दूं, कैसे कर सकता हूं, आप कुछ सोच के बताओ, तो क्या होगा कि यहां पर मेरे पास ऑनली फॉर क्या बचेगा, नेगेटिव तो बचेगा, तो ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल में कमी कर देगा, लेकिन यहां तो पॉजिटिव रहेगा नहीं, तो उसके मतलब इसके पोटेंशियल में तो इंक्रीमेंट होगा भी नहीं। ध्यान से सुनो इस चीज को, अगर मैं इस पॉजिटिव को हटा दूं तो ये नेगेटिव इसके पोटेंशियल में कमी कर सकता है ना, आ रही बात समझ में, कर सकता है ना, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा और कम होगा तो मेरे पास में कैपेसिटेंस क्या आएगा, और ज्यादा आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि ये मैं इसी को लेता हूँ वापस, ये मेरे पास में ए प्लेट थी, ठीक है, ये मेरे पास में ए प्लेट थी और ये मेरे पास में बी प्लेट, ये मेरे पास में बी प्लेट, ठीक है, और ये इस पे चार्ज नेगेटिव था और एक तरफ चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो चार्ज है ना, इसको ये पूरा ही चार्ज इसको मैंने अर्थिंग कर दिया, तो क्या हुआ, आपको पता है कि अर्थ हमारी धरती माता जिसके पास ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोलेंगे कि लो हमसे इलेक्ट्रॉन लीजिए, क्या बोलेगी ये हमसे इलेक्ट्रॉन लीजिए, और इसको क्या करेगी, पूरा न्यूट्रल कर देगी। तो अब क्या होगा, देखो अब ध्यान से देखना, वही मैं वापस पेस्ट देता हूं यहां पर, तो अब देखो जो नेट पोटेंशियल होगा ए पे, नेट पोटेंशियल ए पे होगा, तो देखो मैंने इसका कितना बना था, 20 बना था और इसका कितना था, 5 था, अब देखो कितना हो गया, 15 वोल्ट हो गया, ये देखो कितना हो गया, 15 वोल्ट, पहले कितना था, 17 वोल्ट, अब कितना है, 15 वोल्ट, यानी पोटेंशियल क्या हुआ, और कम हो गया ना, तो पोटेंशियल और कम हुआ तो अब इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया, पहले 17 था तो कुछ बढ़ा होगा, लेकिन अब 15 हो गया, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या हो गई, और कम हो गई, तो कैपेसिटेंस और बढ़ गया, आगे बात समझ में। तो यही है मेरे पास में जो मैंने लिखा, आप देखो इसको समझाता हूं मैं क्या, कि फर्स्टली वी टेक अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट, सबसे पहले मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट ली, नाउ लेट अ कंडक्टिंग प्लेट बी ऑफ सेम साइज, इसी सेम साइज की कहकर मैंने कंडक्टिंग प्लेट लेके आया, बी कैप नियर टू ए, इसके मैंने पास में रख दी, ठीक है, आगे बढ़ता है, बाय इंडक्शन, देखो यहां पे जो चार्जिंग का मेथड कौन सा होगा, इंडक्शन होगा, सो बाय इंडक्शन अ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इज प्रोड्यूस्ड ऑन द नियरर फोर नियर फेस ऑफ प्लेट बी। तो देखो इसके इस जो पास वाले इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ऑन द फर्दर फेस ऑफ बी, इस दूसरे फेस पे दूसरे तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगली बात समझ रहे। नाउ अब क्या होगा कि द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑन प्लेट बी tends to decrease the potential of plate A। मैंने आपको पहले बताया था ये क्या कर रहा है, negative जो charge है इसका जो potential है वो इस A के potential में क्या कर रहा है, देखो कमी कर रहा है, ये तो लिखा है decrease the potential of A, whereas
जहां दूसरी तरफ द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, प्लेट बी है ना, ऑन प्लेट बी टेंड्स टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए, ये क्या कर रहा है, इसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, पोटेंशियल तो कम हो गया लेकिन हल्का सा कम हुआ। नाउ एज इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑफ बी, जो नेगेटिव चार्ज है बी का, इज क्लोजर टू ए, ये इसके पास है, thus there is reduction in the resultant potential. तो जो resultant potential हुआ उसमें क्या हुआ, जो है वो उसमें ये reduction हुआ। Now and hence the capacitance of system is increases. अरे बात समझ, जो capacitance तो क्या हुआ, बढ़ गया, लेकिन इतना नहीं बढ़ा, हम क्या करते हैं इसको और बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर क्या करते हैं, नाउ पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी इज कनेक्टेड टू अर्थ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्टेड कर दिया। नाउ सो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू अर्थ, ये अर्थ में चला गया, वेयर इज द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी स्टे, यानी ये नेगेटिव चार्ज तो ऐसा कैसे है, तो इससे क्या हुआ, देन पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए डिक्रीजेस, तो इस ए का जो पोटेंशियल हुआ वो और डिक्रीज हो गया, हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, सिस्टम ये जो एरो कर रहा था ऊपर इसका मीनिंग है इंक्रीजेस टू मैक्सिमम। अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम तक जो है वो सॉरी जो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा उसका मैक्सिमम जो है वो इंक्रीज हो गया। तो यही कहानी थी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की, और मैंने आपको ये बताया था कि हम जो है वो साइज वगैरह बढ़ाना नहीं चाहते, बिकॉज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से तुम्हें ये पता चलता है कि अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो डिवाइस हो वो छोटी हो, आई बात समझ में, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर कितना छोटा होता है, नहीं तो फिर इतना बड़ा कैपेसिटर बनाना पड़ता और फिर उसको रखना भी कितना हमारे लिए भारी पड़ जाता। तो हमने यही किया, इस फॉर्मूले का यूज किया, हम क्या करें कि चार्ज को तो कॉन्स्टेंट रख दे, फिक्स कर दिया इस पे चार्ज, ठीक है, हम क्या कर रहे थे पोटेंशियल में कमी कर रहे थे इसके पोटेंशियल में, आगे बात समझ में। तो इसका मतलब जितना इस पे प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ देखो मैं जितना इस पे प्लस क्यू चार्ज है उतना उतना क्या इस पे माइनस क्यू चार्ज है, आगे बात समझ में। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट चार्ज कितना होता है कैपेसिटर पर, नेट चार्ज तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सर यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो देखना क्या होगा, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज देखो इस पे कितना है प्लस क्यू और फिर ये कितना माइनस क्यू, कितना आया जीरो। तो ध्यान रखना किसी भी कैपेसिटर का अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं तो वो कितना होता है जीरो होता है, यानी क्यों, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और इसको अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको वापस देखिए, ठीक है ना, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, अभी जो है वो हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ा, अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि जो कैपेसिटर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो कैपेसिटर आपके थ्री टाइप्स के होते हैं बेसिकली, फर्स्ट एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड जो है वो आपका कौन सा सिलेंड्रिकल, और थर्ड होता है कौन सा स्फेरिकल। तो अगर मैं आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग बताऊं तो आपके जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर ये आपके जो सिलेबस में, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली देखो ये क्या मेरे पास दो प्लेटें हैं, ठीक है ना, जो क्या होती है बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती है। अभी प्लेटें जो है वो आपके रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, क्या होती है दो प्लेटें होती है, दो क्या होती है दोनों ही पैरेलल होती है, ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है एक डिस्टेंस पे रखा जाता है, ये डिस्टेंस पे, ठीक है। दोनों पे क्या होता है सेम चार्ज होता है, सेम अमाउंट का होता है, बट क्या एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। तो इसमें यही है कि व्हेन टू मेटलिक प्लेट्स ऑफ सेम ज्योमेट्री एंड सेम एरिया आर एट स्मॉल डिस्टेंस एंड आर हेल्ड इन एयर या वैक्यूम, इसमें भी हो सकता है पैरेलल टू ईच अदर, तो देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जगह कुछ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो होती क्या है वही है, क्लियर। अब अच्छे चलो, अब अगर मैं इस प्लेट की बात करूं, ठीक है, अगर यहां पर मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, मैं यहां पर पी पॉइंट, ठीक है, और इस पी पॉइंट पर अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहूं तो वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो अगर मैं बात करूं इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो होगी इस तरफ,
ठीक है, इसको मैं प्लेट नंबर वन दे देता हूँ, इसको मैं प्लेट नंबर टू दे देता हूँ, इस क्योंकि आपको पता है ना प्लस से हमेशा क्या होती है अवे होती है, तो ये होगा मेरे पास में इवन। क्लियर? अगर बात करूं मैं इस माइनस क्यू की कारण, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जो है वो चार्ज की और, यानी इसी तरफ होगी, यानी ये मेरे पास में किसकी डायरेक्शन हुई, ई टू की डायरेक्शन हुई, यानी इवन और ई टू दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। आ रही बात समझ में? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, दोनों का एड हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपको पता है कि किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये हम जो है वो कैलकुलेट पहले कर चुके हैं, बोलो याद है कि नहीं, गॉस लॉ से हमने कैलकुलेट किया था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो मेरे पास हो जाएगा क्या, ई वन प्लस ई टू, यानी कि सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यानी ई इज इक्वल टू मेरे पास में निकल के आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोला तो क्लियर है, आगे बात समझना। तो ये मेरे पास आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैपेसिटेंस की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैपेसिटेंस की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो। मुझे किसकी जरूरत है, V की जरूरत है। अब आपको पता होगा हमने V, क्योंकि देखो हमें क्या चीज पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आगे बात समझे वो कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर Q तो फिक्स होगा, देखो चार्ज तो मुझे पहले से पता है, मुझे क्या चाहिए, V चाहिए। तो अगर मैं V की वैल्यू याद रखूंगा तो मेरे पास में क्या जाएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जाएगा किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। और हम जो है यही कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो देखो हमने रिलेशन पढ़ा है बाई रिलेशन बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमने पढ़ा है ना, वो क्या था आपको पता होगा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये तो था, या इसको मैं ऐसा लिख लू, E इज इक्वल टू बी अपॉन डी, यही था ना, अरे हमने ये पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, डी आर क्या है, डिस्टेंस तो है, यहाँ डिस्टेंस क्या मैंने लिया, डी डिस्टेंस लिए, डी वी की जगह क्या है, एक ही बात है ना, आज समझ में क्लियर। तो इसको मैं क्या ई डी, और ई की वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास में बी इज इक्वल टू क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन टू डी, बोलो क्लियर है ना। अब आपको पता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो क्या होता है, क्यू बाई ए, बोलो ठीक है, इसको तो मैंने याद रख दिया, और सिग्मा की जगह रखते मैंने क्यू बाई ए, और ये फिर मेरे पास में एप्सिलॉन नॉट। अब ये v की वैल्यू वन में पुट कर दो, सो पुटिंग वन, यहां पे मैं जैसे ही पुट करूंगा तो देखो मुझे c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मेरे पास में q तो है ही है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरे पास में यहां पे q, और ये वैल्यू रखूंगा मैं तो ये हो जाएगा qd अपॉन a इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये q से ये q कट जाएगा और एप्सिलॉन नॉट a का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास में जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट a बाय d। तो ये ध्यान रखना किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि अगर आप डिस्टेंस को कम रखोगे तो आपका कैपेसिटेंस ज्यादा आएगा, और या अगर आप एरिया को बढ़ा दो तो आपका कैपेसिटेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो आई बात समझ में, तो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस आपका ए पर डिपेंड कर रहा है, एक तो इसके एरिया पे, और कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है इसके डिस्टेंस पे, आगे बात समझ में। तो एरिया के तो क्या है, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आगे बात समझ में। तो ये था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आगे बात समझ में, एक एग्जांपल करते हैं उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर फॉर्मड बाय सर्कुलर प्लेट, प्लेट कौन सी है, सर्कुलर है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर की रेडियस की है, विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm, दोनों को क्या किया है 1 mm की जो डिस्टेंस पर रखा है, तो आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो आर दे रखा है सेंटीमीटर में था, मैंने मीटर में बदल दिया, डिस्टेंस आपको एमएम में दे रखी थी, मैंने मीटर में बदल दी 10^-3। अब बात करते हैं एरिया की, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और एरिया किसका, सर्कल है, सर्कुलर प्लेट है ना, तो सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर वैल्यू रखी, और यहां से मैंने क्या किया, एरिया निकाल लिया। अब वही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी, और आंसर, तो आंसर क्या है, 69.5 पिको फैरड, क्योंकि 10^-12 को हम क्या करते हैं, पिको में बोलते हैं, आ रही बात समझ में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हमने कैपेसिटर पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ा, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।